Hello everyone, I am Akash Verma. Welcome to my channel Study In, so Kumar Study Group. Today we are going to discuss another question of the game theory with the help of the dominance property. So in the part 3 video, I have already solved the question with the dominance property. So jinhone agar wo part 3 ki video agar nahi dekhi hai, wo please wo pehle meri wo part 3 ki video zarur dekhen, jiska maine jo description box mein link diya hua hai. ठीक है, आप वहां से जाकर पार्ट 3 की वीडियो डोमिनेंस प्रॉपर्टी की देख सकते हैं ताकि आपको प्रॉपर क्लियर हो जाए कि बेसिकली व्हाट इज द डोमिनेंस मेथड, व्हाट आर द रूल्स टू बी फॉलोड अंडर द डोमिनेंस मेथड. तो उस दिन जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था पार्ट 3 में, वो था एक क्वेश्चन विद सैडल पॉइंट विद द हेल्प ऑफ डोमिनेंस प्रॉपर्टी. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ द अगेन डोमिनेंस प्रॉपर्टी बट विदाउट क्वेश्चन विद सैडल पॉइंट. मतलब क्वेश्चन इस बार हमें सैडल पॉइंट क्वेश्चन में नहीं दिया. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, वो हम फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, अगेन इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट, एंड प्लीज शेयर इट टू ऑल योर फ्रेंड्स. सो दिस इज अवर क्वेश्चन, डोमिनेंस प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन है. There are the four strategies of the B1, B2, B3 and B4 and four strategies of A1, A2, A3 and A4. So first of all, again we will find out the saddle point. So आपको पता है कि saddle point कैसे find out करना है, वो हमें minimum value. तो A1 की minimum value है 5, A2 की minimum value है 0, A3 की minimum value है 0 and A4 की minimum value है 10. Now for the maximum, B1 कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू है 15, B2 कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू है 65, D3 कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू है 25 एंड D4 कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू है 15. सो वी कैन सी दैट देयर इज नो सैडल पॉइंट इन दिस क्वेश्चन. अब हम करेंगे क्या, इस क्वेश्चन को डोमिनेंस प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, 2x2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू द 2x2 मैट्रिक्स, देन वी विल सॉल्व इट बाय द ओड्स मेथड, दैट इज क्वेश्चन ऑफ द मिक्स्ड स्ट्रेटजी जो हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया था. अगेन जिसने मेरी पार्ट 2 की वीडियो अगर नहीं देखी है तो वो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पार्ट 2 की वीडियो देख लो, ताकि आपको पता लगे कि 2x2 मैट्रिक्स के क्वेश्चन को ओड्स मेथड के साथ किस तरीके से सॉल्व किया जाता है. सो डोमिनेंस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन हमें गाना पड़ेगा, इसमें डोमिनेंस प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी और डोमिनेंस प्रॉपर्टी का रूल आपको पता ही है. ठीक है, कि जिस रो को हमने डिलीट करना है उस रो की सभी एलिमेंट होने चाहिए, इवन दूसरे रो के एलिमेंट से कम होने चाहिए, और जिस कॉलम को हमने डिलीट करना है उस कॉलम के सभी एलिमेंट दूसरे कॉलम के सभी एलिमेंट से मैक्सिमम होने चाहिए. ठीक है, रूल आपको क्लियर ही है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हम किस रो या किस कॉलम को एलिमिनेट कर सकते हैं. जैसे बड़ी सिंपली हमें नजर भी आ रहा है, B2 की जो सभी वैल्यूज हैं वो B3 की वैल्यू से मैक्सिमम है. सो यू कैन सी दैट B3 की वैल्यू 25 एंड B2 की वैल्यू 65, तो बड़ी वैल्यू है. B3 की वैल्यू है 15, B2 की वैल्यू है 20, बड़ी वैल्यू है. B3 की वैल्यू है 0 एंड B2 की वैल्यू है 50, अगेन मैक्सिमम वैल्यू. B3 is 10 and B2 is 60, so again maximum value. So इस प्रॉपर्टी से हम लोग, इस रूल से हमारा B2 बड़ी इजीली एलिमिनेट हो गया. So B2 is eliminated by B3. So in the next table we have now B1, B3 and B4, A1, A2, A3 and A4. Again we can see that B3 is now eliminated. No, sorry, B3 नहीं है, A2 is eliminated now. क्योंकि आप देख सकते हो कि अगर हमें रो को एलिमिनेट करना है तो उस पर आपकी छोटी वैल्यू है सारी की सारी. आप चाहो तो B1 को भी एलिमिनेट कर सकते थे पहले, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल कोई भी नहीं है. ठीक है, आप अपनी मर्जी से कोई भी रो, कोई भी कॉलम को रूल्स के अकॉर्डिंग एलिमिनेट कर सकते हो. ठीक है, जैसे अगर हम B1 को भी चाहे एलिमिनेट कर सकते थे, चाहे 35 वैल्यू 25 से बड़ी है, 38-15 बड़ी वैल्यू 30 है, 40-0 बड़ी वैल्यू 40 है, 55-10 बड़ी वैल्यू 55 है, तो B1 इज एलिमिनेटेड विद द हेल्प ऑफ B3. लेकिन अभी फिलहाल मैंने A2 को एलिमिनेट किया है, क्योंकि A2 की सभी वैल्यू A1 से क्या है, छोटी है. इफ द रो इज टू बी डिलीटेड, देन द ऑल द एलिमेंट ऑफ दैट रो शुड बी लेस देन द एलिमेंट ऑफ द अनदर रो. ठीक है ना, तो लेस देन से भी वैल्यू, ये 35 और ये 30 छोटी वैल्यू है, 25 एंड 15 छोटी वैल्यू है, 5 एंड 0 छोटी वैल्यू है. सो नाउ A2 इज एलिमिनेटेड बाय A1. सो नाउ वी हैव B1, B2, D4, A1, A3 एंड A4.
Now we have eliminated B1, that's मैंने आपको पहले बताया था, जो step हम यहाँ पे discuss करते थे, वही step मैंने यहाँ पे अब follow कर दिया. D2 की value 25, D1 की value 35, बड़ी value. D2 की value 0, B1 की value 40, बड़ी value. D2 की value 10, B1 की value 55. Again, all the element of B1 is higher than the element of B2. So B1 is again eliminated. So B1 is eliminated by B2. Now next in the paper we have B2, B4, A1, A3 and A4. Now see which row or which column can be eliminated. देखो column तो वैसे ही हमारे पास दो ही रह गए हैं. Column तो भी eliminated हो नहीं पाएगा. अब हम देखेंगे कि कौन सा row eliminated हो रहा है. तो देखते हैं जरा. तो A3 देखिए आप very easily. A3 हमारा eliminated हो रहा है. ठीक है. A3 is eliminated by A4. क्योंकि देखिए A3 की दोनों values A4 की दोनों values से क्या है? छोटी है. The element of A3 is less than the element of A4. So now A3 is eliminated. Okay? So now next in the paper we have only B2, B4 and A1 and A4. So this is now 2 by 2 matrix. Now post matrix में आपको पता ही है किस तरीके से form करना है. ठीक है? First of all we will find out the difference of each row and each column. हमने हर row और हर column का difference find out करना है और उसकी हमने value trace कर देनी है correspondingly. Like 25 minus 5, 20, 15 minus 10, 5, 25 minus 10, 15, and 15 minus 5, 10. So question को check करने के लिए कि सही गलत तो नहीं है, ठीक है? Difference का total equal होना चाहिए. 20 plus 5, 25, 15 and 10 again, 25. So we are on the right track. Next, we will interchange the difference with each other. Second step आपको follow करना है जो आपको याद होगा. So 20 and 5 interchange होके 5 and 20 हो गया, 15 और 10 interchange होके 10 and 15 हो गया. Now we have to find out the value of gain. ठीक है, अब हमने value of gain find out करनी है. उसके लिए हम कोई भी जो है एक line की दो values को दे देंगे, वो चाहे row wise दे चाहे column wise दे. Like मैंने A4 के दोनों values को दिया है. अब A4 के opposite जो है differences कौन-कौन से हैं? Like A4 जो हमारा पहली value 10, 10 के बिल्कुल opposite जो difference है वो 10, 10 multiplied by 10 प्लस B4 की वैल्यू 15 और उसका अपोजिट की डिफरेंस कितना है 15. तो 15 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय टोटल ऑफ डिफरेंस 10 एंड 15. 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 225 और 10 और 15 का टोटल 25. तो इट इज 100 प्लस 225 इज इक्वल टू 325 डिवाइड बाय 25. तो आंसर मुझे 13. सो दिस इज आवर लाइफ गोल. ओके, नाउ द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर ए, बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर ए इज ए1 एंड ए4. और आंसर आपको पता नहीं है. 25 by 25 for A1 and 20 by 25 for A4. In the same way, best strategy for B, that is B2 and B4. So B2 ki, B4 ki values are 10 and 15, that is 10 and 15, 25 total, 10 by 25 and 15 by 25. तो ये थे एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये डोमिनेंस प्रॉपर्टी के साथ. डोमिनेंस प्रॉपर्टी के हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए. एक क्वेश्चन था विद सैडल पॉइंट और एक क्वेश्चन था विदाउट सैडल पॉइंट. The question with saddle point was discussed in the part 3 video and question without saddle point is discussed today in the part 4 video. So I hope कि आपको ये video समझ लगी होगी, topic आपको clear हुआ होगा, ठीक है, आपको video अच्छी लगी होगी, ठीक है, तो like जरूर करें, subscribe जरूर करें और comment करके जरूर बताएं कि आपको video कैसी लगी और अगर आपकी कोई specific problem है किसी chapters के regarding तो वो जरूर मुझे बताएं ताकि मैं आपकी जो video में उस chapters की problem को solve कर सकूँ, ठीक है, और आपकी प्रॉब्लम को काफी हद तक जो है सॉल्व करने की कोशिश कर सकूं. थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू वेरी मच.